हे दोस्तों, आपने डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान के बारे में तो सुना ही होगा। आपने ये भी सुना होगा कि डेजर्ट्स में कैक्टस और कैमल्स पाए जाते हैं और यहाँ पानी की कमी होती है। आज की इस वीडियो में हम डेजर्ट्स के बारे में कुछ अमेजिंग बातें जानेंगे। दोस्तों, डेजर्ट्स बैरन एरिया ऑफ लैंड्स है जहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश 10 इंच से भी कम होती है। सैंड ड्यून से लेकर कैमल राइड तक आप सब ने डेजर्ट को कार्टून्स या फिर मूवीज में देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं सभी डेजर्ट्स हॉट नहीं होते। कोस्टल डेजर्ट से लेकर लार्जेस्ट आइस डेजर्ट अटलांटिका तक वर्ल्ड में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाली चीजें हैं डेजर्ट्स के बारे में। दोस्तों, डेजर्ट्स एक एनवायरमेंट है जो कि एनिमल्स के लिए हॉस्टाइल है, जहां लाइफ फॉर्म के लिए रहना एक चैलेंज से कम नहीं होता है। स्कॉर्चिंग हॉट सन से सैंडस्टॉर्म तक और आइस कोल्ड टेरेंस के साथ डेजर्ट्स में जिंदगी जीना इजी नहीं है। चलिए डेजर्ट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। पहला, अंटार्कटिका इज अ ह्यूज आइस डेजर्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डेजर्ट्स ऑफ अंटार्कटिका में स्नो कभी भी इवोपरेट नहीं होता है। सबसे बड़ा आइस डेजर्ट होने के अलावा इसकी मेजरमेंट रशिया के साइज के ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर है, जो कि 53,39,573 स्क्वायर माइल्स है। अंटार्कटिका डेजर्ट वर्ल्ड में से सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट है, जो कि -49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरेज फेस करता है, और जिसका लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है -94.7 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड, पीपल डू लिव इन डेजर्ट। दोस्तों, वर्ल्ड की टोटल 8 बिलियन पॉपुलेशन है, यानी 800 करोड़, और उसमें से पूरे वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट्स हैं उसमें रहने वाले लोगों की टोटल पॉपुलेशन है करीब 1 बिलियन यानी 100 करोड़ है। लेकिन डेजर्ट में लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है और वहाँ कोई क्रॉप्स भी डेजर्ट लैंडस्केप की वजह से अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। डेजर्ट लाइफ को अडॉप्ट करना रियलिटी को चैलेंज करने वाली बात है। नेक्स्ट, डेजर्ट प्लांट्स स्टोर वाटर। दोस्तों, डेजर्ट में प्लांट्स अपने लीव्स में वाटर को स्टोर करते हैं और उसे यूज करते हैं। कुछ डेजर्ट प्लांट्स के पास नाइसली पैडेड लीव्स होते हैं जो वहाँ बारिश के टाइम होने वाले पानी के मॉइस्चर को लॉक कर लेते हैं। अरेबियन डेजर्ट को वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है और एशिया में सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। डेजर्ट और शेरिफ श्रूबलैंड अर्थ के सर्फेस एरिया का 10% हिस्सा एक्वायर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंड, जो कि लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल बायोम बनाती है। नेक्स्ट, डेजर्ट बायोम आर डेजर्ट इकोसिस्टम्स। दोस्तों, डेजर्ट बायोम में एक डेजर्ट इकोसिस्टम है जो कि हर साल बारिश होने की वजह से क्रिएट होता है। डेजर्ट बायोम का सबसे बेस्ट फैक्ट ये है कि वो पूरे वर्ल्ड के डेजर्ट्स को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, जो है हॉट एंड ड्राई, सेमी एरिड, कोस्टल और कोल्ड। नेक्स्ट, एनिमल्स कम आउट एट नाइट। डेजर्ट में देखे तो एनिमल्स इजीली नहीं दिखते, वहाँ सिर्फ कैमल्स ही इजीली देखे जाते हैं, जो कि ट्रैवलर्स को ड्यून्स के अक्रॉस लेकर जाते हैं। डेजर्ट में ज़्यादा एनिमल्स रात को जागते हैं और एक्टिव रहते हैं, उनमें से कुछ बरोज में रहते हैं, और हम 200 से ज़्यादा रैटल स्नेक्स को डेजर्ट के एक स्क्वायर माइल में देख सकते हैं। सभी डेजर्ट्स में वेदर सेम नहीं होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है और कभी कभी ग्राउंड को टच भी नहीं करती। कोल्ड डेजर्ट्स वर्ल्ड के फ्लैट एरियाज में पाए जाते हैं और वो भी पोलर रीजन्स और ट्रॉपिक्स के बीच में पाए जाते हैं। रूब अल खाली वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड डेजर्ट है, जिसे अरेबिक में एम्प्टी क्वार्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यूको हैज द टाइनियस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। यूकॉन कनाडा में वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट डेजर्ट है। इसकी साइज सिर्फ 1 स्क्वायर इंच माइल है और हम इसे कारक्रॉस डेजर्ट भी कहते हैं। द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड हैजंट रिसीव्ड रेनफॉल सिंस इट वॉज फाउंड। दोस्तों, साइंटिस्ट ने स्टडी किया है कि वर्ल्ड के ड्राइएस्ट डेजर्ट को 40 मिलियन ईयर्स हो गए हैं, पर आज तक वहां पर बारिश नहीं हुई है। उसे हम अटाकामा डेजर्ट भी कहते हैं और वहां पर बारिश का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। नेक्स्ट, डेजर्ट्स कैन बी डाइवर्स। दोस्तों, डेजर्ट क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल होता है और वहाँ लाइफ भी बहुत मुश्किल होती है। कुछ डेजर्ट्स में डाइवर्स इकोसिस्टम होता है जिसमें ओएसिस, मैमल्स, टॉल माउंटेन्स होते हैं, और वहाँ वेजिटेशन कंडीशन रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डाइवर्स होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डेजर्ट्स के बारे में बहुत सी अमेजिंग बातें जानी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीणा को, और आगे के वीडियोस देखते रहिए। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।